एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के पराठे। पनीर पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका डो लगा लेते हैं। ये देखिए, हम एक कटोरी आटा लिए हैं और एक कटोरी हम मैदा लिए हैं। आप मैदा से भी बना सकते हैं, सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं, जैसे आपको खाना पसंद हो वैसे बना सकते हैं। और ये हाफ टीस्पून अजवाइन लिए हैं। अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए अजवाइन हम इसमें ज़रूर डालेंगे। और हाफ टीस्पून हम नमक डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल, घी, बटर जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अभी सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। से मिक्स हो गया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा जैसे हम आटा का रोटी का डो लगाते हैं या पूड़ी का लगाते हैं, वैसे ही नरम डो इसका भी हम लगा लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे और ज़्यादा नरम भी नहीं बनाएंगे। देखिए हमारा डो बहुत अच्छा से बन गया। देखिए कितना सॉफ्ट डो बनाए हैं हम, एकदम बिल्कुल रोटी जैसे। जैसे रोटी का डो बनाते हैं वैसे ही हम पनीर पराठे का भी डो बना लेंगे। देखिए पराठे के अंदर स्टफिंग्स के लिए हम ये पनीर लिए हैं। ये जो मलाई से पनीर निकाले हैं हमें, वही पनीर लिए हैं। आप कोई भी पनीर यूज कर सकते हैं। ये 1 मीडियम साइज टमाटर लिए हैं, 1 छोटा साइज शिमला मिर्च, इतना पतले पतले पीसेस में हम कट कर लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्च, 1 छोटा सा लाल शिमला मिर्च, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, 1 मीडियम साइज गाजर। ये पराठे के लिए हम एक बाउल में सब कुछ डाल लेंगे। ये मेरा पनीर हो गया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, लाल शिमला मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ता। हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है ना। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप स्वादानुसार डाल लीजिएगा। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हम पनीर का पराठा बना रहे हैं, तो इसमें हल्दी नहीं जाएगा। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कितना बढ़िया दिख रहा है ना कलर इसका। आप यदि मार्केट से पनीर ले रहे हैं तो उसके कद्दूकस करके बनाइएगा। देखिए 1 मीडियम साइज का हम लोई लेंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी का साइज को ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसे हम थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, रोटी से थोड़ा सा मोटा। अब इसमें हम ये जो स्टफिंग्स बनाए थे इसको डालेंगे। ऐसे एक साइड हम इसको डालेंगे ऐसे करके। अब इस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। रोटी के चारों तरफ हम थोड़ा सा
पानी लगा देंगे। और इसको ऐसे उंगली से हल्का दबा दबा के ताकि पूरा ही सट जाए। ये देखिए चारों तरफ से सट गया। ऐसे हम एक ये हाथ से दबा दबा के हम चारों तरफ से इसको बंद कर लिए। अब एक फॉर्क की सहायता से ऐसे इसको हल्का 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 दबा देंगे ताकि खुले नहीं। इसी तरह गैस पे तवा मीडियम फ्लेम का हीट कर लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे ही हल्का हल्का सेकेंगे, एकदम हल्का फ्लेम पे सेकेंगे। देखिए एक तरफ से हमारा सिक चुका, हम इसको पलट दिए। इसको ऐसे ही पलट पलट के हम खूब अच्छे से पका लेंगे। इस पर थोड़ा सा घी तेल आप जो भी खाना चाहते हैं उसको लगा लेंगे। कितना अच्छा सीख चुका। हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए हम सारे पराठे को इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए हम एक पराठे को बीच से कट करते हैं। वाह कितनी बढ़िया बना है ना पनीर के पराठे, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी, कितना मस्त, बहुत बढ़िया बना है ना। ये देखिए हमारे सारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। वाह कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी लगता है। से दही रायता या टमाटो सॉस या हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। यदि आप लोगों का हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।